तो भाई कुछ ऐसा है कि आप लेट सकते हो, कोई ना कोई जुगाड़ आप बैठा सकते हो इस गाड़ी में भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अप ऑन द व्हील्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हूँ एक अलग कार में और इसमें हम बना रहे हैं कैंपर वैन वाली सेटअप, जो ऐसा मैंने अपने महिंद्रा XUV 500 में बनाया है। तो वैसा मैं चेक कर रहा हूँ वैगनार में, क्या हम वैसा कुछ कर सकते हैं या नहीं। तो अभी तक हमने कुछ इतना बनाया है और हम ये देख रहे हैं कि क्या इसमें हम कंफर्टेबल होकर 5-6 दिन का ट्रिप कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इस कार में मैं एक वीक से तो ज़्यादा का सोचूंगा भी नहीं कि एक वीक से ज़्यादा बिना होटल का ट्रैवल करने का, क्योंकि हम ज़्यादा दिन ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा कैरी करना पड़ेगा। तो ये सामने अपनी गाड़ी खड़ी है, यहाँ है XUV 500 और वो पीछे है वैगनार। तो अभी इसको लेकर चलते हैं बगीचा में और बनाते हैं एक मस्त सा सेटअप इस गाड़ी के अंदर। तो अभी हम आ चुके हैं वैगनार को लेकर इस जगह पे, और इसमें हम देखते हैं कि क्या हम इसमें नाइट अच्छे से बिल्कुल आराम से सो पाएंगे या नहीं। तो ये है गाड़ी, गाड़ी तो भाई बहुत छोटी है ये, अगर XUV से कंपेयर करें तो ये बहुत छोटी है। मैं आपको एक क्लिप डाल दूंगा XUV 500 का भी कि उसमें वो पूरा बेड सिस्टम कैसा दिखता है। तो कुछ ऐसा है सीट गाड़ी में, फ्रंट सीट पे अभी भी इतना जगह है कि आप आराम से उसको ड्राइव कर सकते हो गाड़ी में इस बेड को लगे हुए, और सामान रखने के लिए भी बहुत स्पेस है। और ये है गाड़ी छोटी, तो अब इसमें यही चेक करना है कि इसमें लग पाएगा या नहीं। हम करेंगे क्या कि इसको आगे रखते हैं और सीट को थोड़ा थोड़ा आगे करते हैं। XUV के साथ यही था कि उसमें सीट आगे करने का जरूरत नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे पता है इस गाड़ी में पड़ेगा और ये सीट फोल्ड हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर है मेरे XUV 500 का, हट रहा है मुश्किल से। तो अभी तक हमने कुछ ऐसा सेटअप किया है, लेकिन आप सो सकते हो ऐसा, मुझे बैठा है यहाँ पे। और कुछ ऐसा है सेटअप अभी गाड़ी का, सीट बहुत बड़ा नहीं है। अभी मैं आपको लेट कर दिखाऊंगा कि आप किस तरह से लेट सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप ये इसको खुला रखोगे तो आप आसानी से लेट जाओगे, अगर ये खुला नहीं रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। और भाई हम हैं अभी अपने बगीचे में, पूरा का पूरा हरियाली। तो भाई कुछ ऐसा है कि आप लेट सकते हो, कोई ना कोई जुगाड़ आप बैठा सकते हो इस गाड़ी में भी। यही होगा कि गाड़ी में जगह थोड़ा भी नहीं बचेगा सामान वामान रखने के लिए, थोड़ा बहुत से ज़्यादा आप सामान बिल्कुल कैरी नहीं कर सकते इस गाड़ी में, अगर बहुत अच्छा आप सेटअप चाहते हो। मैं सामान का सबसे बड़ी बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कैंपर वैन में बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ और मुझे पता है कि जो सामान रखने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम जब गाड़ी में सोने वाले होंगे तो पहले तो गाड़ी में पूरा सामान निकालना पड़ता है, ज़्यादातर सामान निकालना पड़ता है, और बेड बनाने के बाद उस सामान को गाड़ी के नीचे या आगे वाले सीट पे रखना पड़ता है। तो आप इस गाड़ी में देखोगे तो आगे वाले सीट पे तो बिल्कुल सामान आएगा नहीं, तो आपको इन सीट के वहाँ के नीचे रखना पड़ेगा, तो वहाँ आप ज़्यादा सामान रख नहीं पाओगे। सोने का आप अच्छा जुगाड़ कर सकते हो, बिल्कुल मज़ेदार सो सकते हो वैगनार में, और बैठ भी सकते हो क्योंकि इस वैगनार में ये वाला हाइट काफ़ी अच्छा है, हेडरूम तो बहुत अच्छा है। इन सब में लेकर छोटी कार में मेरे समझ से इससे बेटर सेटअप आप दूसरे कार में नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका हेडरूम बहुत अच्छा है और छोटी कार में ये एक अच्छी कार बन सकती है कैंपर वैन के लिए। कार में मैं वैन वैन की बात नहीं कर रहा, कार में, तो क्योंकि इसमें ये सीट थोड़ा वो आगे चला जाता है और आगे जाके नीचे भी चला जाएगा, और बीच वाला सीट तो बिल्कुल फोल्ड हो जाता है। तो आप एक हद तक 5.7 फीट के आसपास का बेड बना सकते हो इसमें, प्रॉपर 6 फीट का बेड बनाना काफ़ी मुश्किल होगा इसमें, मेरे हिसाब से बन भी नहीं पाएगा, 6 फीट का बेड तो नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन 5.5 फीट 7 इंच 5 फीट 8 इंच तक का आप इसमें बेड बना पाओगे। तो कुछ ऐसा सेटअप है, मैं आपको इसकी कमियाँ के बारे में बता तो अभी मुझे इस गाड़ी में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम लगा है, अगर हम इसे कैंपर वैन में मॉडिफाई करते हैं, कैंपर वैन का मतलब है बस हम इसमें एक बेड लगाते हैं,
कुछ बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करना। एक बेड लगाते हैं सोनी का, 5.5 फीट 6 फीट किससे छोटा बेड लगाते हैं, 5.5 फीट और 6 फीट के बीच का बेड। तो इसमें क्या क्या दिक्कत आने वाली है? सबसे बड़ा दिक्कत आएगा कि आपका लगेज कैरी करने का कैपेसिटी इस गाड़ी का बहुत कम हो जाएगा। और जो दूसरा इसमें कमी है ये कि इसका जो सीट है वो आप बहुत लंबा नहीं बना सकते। अगर 6 फीट का इंसान है, 5 फीट 10 इंच का इंसान है, तो उसे तकलीफ होगा सोने में। और कोई मेजर ड्रॉबैक नहीं है और आप इसको आराम से बना सकते हो। आप इसमें आराम से 7 दिन के आसपास का ट्रिप कर सकते हो। 7 दिन के आसपास ट्रिप करने में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि 7 दिन में आप बहुत ज़्यादा भी सामान नहीं रखते। एक दो बैग अगर रख रहे हो, एक दो बैग तो आप रख सकते हो। अगर आप कुकिंग के लिए ज़्यादा सामान नहीं रखोगे तो चल लेगा। अगर कुकिंग के लिए आप कोई सामान ही नहीं रखते तब तो बहुत बढ़िया बात है, आप आराम से इस गाड़ी में सफ़र कर सकते हो। अगर आप बिना कुकिंग का सफ़र करना चाह रहे हो तो क्या कैंपर वैन बनाने के लिए एक बड़ी एसयूवी का ही लेना ज़रूरत है? तो वैसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो हो तो बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो आप उसको भी कन्वर्ट कर पाओगे। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा था, क्या आपके पास छोटी गाड़ी है तो क्या उसको आप कन्वर्ट कर पाओगे या नहीं। और वैगनार से कॉमन गाड़ी कोई हो नहीं सकता, और ये गाड़ी मेरे घर पे है तो मैंने सोचा इसी पे एक वीडियो बनाते हैं, क्या इसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं। तो अभी हम छोटू से पूछते हैं, छोटू को कैसा लग रहा है। छोटू, अगर हम महिंद्रा एक्सयूवी 500 से इसका कंपेयर करें तो इसका सीट, मतलब जो बेड है, कैसा लग रहा है तुम्हें? ये बहुत छोटा सा बेड है और स्पेस बिल्कुल नहीं, और आदमी से ज़्यादा कंफर्टेबल से नहीं बैठ सकता। और सोने में अगर कोई 5 फीट 5 इंच का है तो तुमको क्या लगता है, सो सकता है कि नहीं? सो सकता है या नहीं? सो तो सकता है। ठीक है, सो सकते हो 5 फीट 5 इंच का बंदा, थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर कोई वैगनार में ऐसा कुछ करना चाह रहा है तो मैं यही कहूँगा कि आप कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं लाया हूँ, अगर मुझे इसको अच्छे से करना होता तो मुझे पता है कि इस गाड़ी में हो जाएगा, कुछ ना कुछ इसका उपाय हो जाएगा और आप इसको अच्छे से बना सकते हो।